नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम BSSC बिहार SSC का CGL का सिलेबस देखेंगे, जो कि सचिवालय सहायक और वैकेंसी आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा की प्रकृति है जो कि वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जो निम्नांकित विषय होंगे। 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा दोस्तों, जिसमें क है समान अध्ययन, ख समान विज्ञान एवं गणित, ग मानसिक क्षमता जांच रीनिंग है जिसमें। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पॉज कर एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र ही मान्य होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 की कंडी के 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 ही पुस्तक ले जा सकेंगे। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड और सामान्य विज्ञान खंड, 3 वो पुस्तक ले सकते हैं आप लोग, परीक्षा में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम, रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर और नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिख पाए जाने की स्थिति में टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्रियाँ ले जाते हैं तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें खंड का है समान अध्ययन। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के समान जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता का जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की स्थिति भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देशों संबंध विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय जो कि करंट, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ पूछे जाएंगे। और देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं इसका क्वेश्चन बैंक तैयार करके एक वीडियो में बना दूंगा, पिछले साल के जो क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब देख लीजिए, समान विज्ञान गणित, इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में जो कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। गणित में संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव विहीन संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, लाभ और हानि, और मानसिक जांच संबंधित हो गए, जो इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके घटक में निम्न में से संबंधित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, सदृश, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक, गणितीय तर्क,
एवं गणितीय संख्या श्रृंखला कूट लेख एवं कूट व्याख्या। तो दोस्तों यही सब सिलेबस था। अब आपको बता दूं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, जैसे कि आपको सामान्य वर्ग के लिए 40 है, जिसमें कि आपको 60 अंक 150 में लाना ज़रूरी है, तब क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5% यानी कि 54.75 आपको अंक लेना ज़रूरी है। और जैसे कि अब EBC का देखते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 51% यानी कि आपको 51 अंक लाना ज़रूरी है, सॉरी दोस्तों 34% है, और ये 32% है जो कि अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग दिव्यांग के लिए आपको कितना अंक लेना है, तो 48 अंक। इस प्रकार आपको समान वर्ग के लिए 60 और पिछड़ा वर्ग के लिए 54 नंबर लाना जरूरी है 150 में से, और अनुसूचित जनजाति महिला और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 48। इतना पर लाइएगा तो क्वालिफाई हो सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसका तैयारी अपने चैनल पर कराता रहूँगा और वीडियो अपलोड करता रहूँगा क्वेश्चन बैंक। अब देखेंगे अगला वीडियो में, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के जय हिंद जय भारत।